हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग ट्रेंडिंग ज्ञान। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y28s 5G मोबाइल फोन में आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस फोन में साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, आपको यहां पर पावर बटन पर फिंगरप्रिंट दिया जाता है। आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पर आपको यहां पर सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहां पर एक स्क्रीन लॉक को सेट कर लेना है। अगर आपने स्क्रीन लॉक सेट किया है तो दोस्तों, आप उसको यहां पर ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, आपको ये बता रहा है कि आपको इस प्रकार से अपने फिंगर को ऐड कराना है, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा स्टार्ट इंस्टॉलमेंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप अपने फोन को जिस भी फिंगर से अनलॉक कराना चाहते हैं, आप उस फिंगर को यहां पर ऐड करा लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों, पावर बटन पर आप बार बार उंगली को उठाएंगे और लगाएंगे, आपका फिंगरप्रिंट यहां पर ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं मेरा फिंगरप्रिंट यहां पर लग चुका है। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिंगरप्रिंट कम्प्लीटली लग चुका है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपका जो फोन है वो कुछ इस प्रकार से यहां पर लॉक है, और दोस्तों आप अपने फोन की इस पावर बटन पर अपने फिंगर को इस प्रकार से टच कर देंगे तो आपका जो फोन है वो यहां से अनलॉक हो जाता है, आपके फिंगर से अनलॉक होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से वीवो Y28s 5G मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं।